सबको सबसे पहले आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, इसके लिए सॉरी मैं मांगता हूँ। मैं सबसे पहले आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, आई केप्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इन्फॉर्म एवरीवन, स्पेशली थ्रू द मीडिया। अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, अगर आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा है क्योंकि कल आज लास्ट डे है इलेक्शन का, कैंपेन का। थोड़े घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो तीपरा मोथा पार्टी के थ्रू एज अ फाउंडर मेंबर, क्योंकि हमारे सब लीडर्स ग्राउंड में आज भी प्रचार कर रहे हैं, मैं आम जनता को, हमारे लोगों को ग्राउंड में सबसे पहले अपील करना चाहता हूं कि काइंडली 26 तारीख को जो ईस्ट त्रिपुरा से है, आप लोग सवेरे सवेरे निकलिए और जाकर वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि त्रिपुरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए जितना जल्दी निकल सकते हैं जब धूप इतना ना हो आप जाइए और अपना फ्रेंचाइज को वोट कीजिए। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपका अधिकार बनता है, आपका वोट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसके लिए वोट करना है आपको, आप सब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपका अधिकार, आपका वोट है और ये आपको एक मौका मिला है। प्लीज़ गो आउट एंड वोट फॉर योर चॉइस ऑफ पार्टी कैंडिडेट, वो आपके ऊपर है। सेकेंड चीज़ है कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में इतना गर्मी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हीट वेव, तो हमारे जो वोटर्स हैं, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सपोर्टर हो, उनके लिए पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में किया जाए, क्योंकि इतने गर्मी में लोगों को बाहर निकल कर लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल रहता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में करना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फाइनली आई अपील टू एवरीवन दैट ये जो इलेक्शन हो शांति से हो और अच्छे तरीके से हो। डेमोक्रेसी में हम सबको एक अधिकार बनता है, कोई भी पार्टी हो उसको उसमें वोट देने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एंड आई अपील फॉर पीस सो दैट देयर इज़ नो वायलेंस, नो फाइट। इलेक्शन के बाद हम सबको एक ही परिवार बनके, एक छोटा स्टेट है त्रिपुरा, हम सबको एक संग ही काम करना है। चुनाव का कैंपेनिंग का पीरियड ख़त्म हो गया है, होने वाला है, तो मैं अपील करता हूं कि इलेक्शन में शांति से आप लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोफा समाज को एक रहना है तो एक दूसरे से झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। झगड़ने से देश ही कमज़ोर होता है, दोफा ही कमज़ोर होता है, कम्युनिटीज ही कमज़ोर होते हैं। तो मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि ये पूरा जो प्रोसेस हो शांति से हो, बस यही मुझे कहना था। थैंक यू। अगर दो तीन सवाल है तो मैं आई कैन आंसर। Where he said that more power to ABC, direct funding and all these things, direct funding to the central government, these should be given as per the accord that was signed by the center. There, so far there has been no clarification. Yes, I will in detail sit down with you, Devraj, and one-on-one we'll do an interview. I know you've been saying that I've not been giving you time. Let the elections be over, I'll sit down with you and I will, वो जो अमित शाह ने बोला था, छोटी छोटी बात को भी मैंने बनिए जैसे किया है, तो वही छोटी छोटी बात को, उनके लिए छोटी बात होगी, हमारे तिपरासा के लिए बड़ा बात है। तो मैं बैठ कर आपके साथ आपको ओवरलोड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी ये इलेक्शन ख़त्म हो गए। जिनको वोट बॉयकॉट
সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসন চার বছরে কি কাজ করবে? স্যার আপনার নাম? जैसा पैसा आएगा हम रास्ता उसी जगह में बनाएंगे। ना राज्य सरकार ना सीपीएम सरकार किस ताकत दिलो ना ये रास्ता के चार साल के पहले नहीं था क्या? ये सिस्टम रहा है। अब पैसा आएगा अब मैं रास्ता सिमना में बनाऊंगा, थालछरा में बनाऊंगा। जब पैसा आएगा तभी तो बनाएंगे। अब पैसा आएगा। अब पहला सेकंड बात है, एक लेडीज फर्स्ट लेडी ने एक सवाल पूछा। बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उनका रीज़न भी जेन्यून है। लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में ही हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट में ट्राइबल एरियाज में हमारा कम हुआ है। तो इसमें अगर मीडिया भी अगरतला से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए तो आप लोग यही प्रॉब्लम यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। 25 साल तक आपने मानिक 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बना के रखा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि तिपरासा एरियाज में क्या प्रॉब्लम था। मार्केटिंग हुआ ना यहाँ में। तो आप लोग भी यही सवाल जैसा आज आपने मुझसे पूछा है मानिक बाबू से पूछते कि सिमना में थालचरा में गंडतीसा में भागीरथ में कितने एरियाज में आज भी पानी का समस्या है वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया। तो ये बात है। तो जो उनका प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन है इट्स ए जेन्यून प्रॉब्लम और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट। और मैं उनको अपील करता हूँ अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा तो ये आपका राइट है, नोटा भी आपका राइट है लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस मैं यही कह सकता हूं। अगर इस बारे में सीपीएम का जो ऑपरेशन डेटा है उसे मतलब सफल किया गया तो बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम पिछले 25 साल का नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल का प्रॉब्लम है। अच्छा, किसी गवर्नमेंट एरिया की प्रॉब्लम है ये? तो 2018 का पहले राम राज्य चल रहा था त्रिपुरा में। हम रावण है, मानिक बाबू राम था। बस ठीक है, आप मीडिया है, यू आर अ इंटेलिजेंट लेडी, यू नो दैट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ 5 years और 25 years, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ 75 years एंड इसको खत्म करने के लिए एक टाइम लगेगा। मैं अभी आज ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन आपको शायद वेस्ट से ज्यादा प्यार है तो मैं बोल देता हूँ। वे इसके बाद में मैंने आज ही अपना टीम को भेज दिया है और उनका जो भी समस्या है, वेस्ट का तो इलेक्शन खत्म हो चुका है, तभी भी आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट वहाँ में उनका समस्या का हल हो। उनका कंप्लेंट मुझे मालूम है, मैं तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। आप क्या, आपका क्या सजेशन है? नहीं, आप सजेशन दीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा, मैं खुद उसका सॉल्व करूँगा। अगर आपके पास और अच्छा सजेशन है कि मैं, हाँ तब सजेशन के लिए नहीं आया ना, हाँ तो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ आपको। अगर आज सजेशन है तो अच्छा है, मैं और कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम का भी समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्व करूँगा। आई एम होपफुल बिकॉज अमित शाह हिमसेल्फ इन कुमारघाट and in the agreement and before the agreement also the home minister has assured that there will be funds which will be given to us in proportion to our population. Wherever the state cannot meet the demand the center will intervene. So I am hopeful that they will do something. Let's wait and see. I have not become silent. I will, whenever there is injustice, wherever there is disproportion, I will always speak out. I am not here to keep quiet and say everything is fine. Everything is not fine. Work has to be done. We are not living in a utopian era. We have to work. We have to work every day. आपने सिमना के बारे बात किया, मैं आपको और 200 गांव दिखा दूंगा जो सिमना से भी खराब है। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा शस्त्र चाहिए, हमें थोड़ा फंड चाहिए और
काम करेंगे लेकिन फंड्स आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अमित शाह ने भी ये बात कुमारघाट में सबके सामने बोला, उससे पहले मुझसे भी बात हुई है, वही बात उन्होंने कहा है। परमानेंट सोल्यूशन इज दैट द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट शुड गेट फंड्स विच विल मेक अगरतला एट पावर विद बैंगलोर, गुवाहाटी एट पावर विद दिल्ली, दीमापुर और कोहिमा एट पार विथ चेन्नई, लेट्स से इम्फाल एट पार विथ हैदराबाद। व्हेन वी बिकम सेल्फ सस्टेनेबल एज स्टेट्स देन आर पीपल वेदर इज बंगाली और तिपरासा डोंट हैव टू गो टू हैदराबाद एंड गेट जॉब्स देयर। अ हस्बैंड डज नॉट हैव टू, एक पति अपना बीवी को छोड़कर 5000 किलोमीटर दूर में जाकर चौकीदार का नौकरी कर रहा है, वो करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द फाइनल सोल्यूशन, बट टिल वी रीच दैट वी हैव टू एटलीस्ट रेज दीज वॉइस। जस्ट बिकॉज वी आर इन गवर्नमेंट वी कीप साइलेंट इज नॉट राइट। हाँ, लैंड तो हमें कैन शो, वाई विल आई लीव माई लैंड? पब्लिक नाउ इज वेरी इंटरेस्टेड इन तिपरा लैंड। आप एक बार मुझे पब्लिक नाउ में इनवाइट कीजिए तिपरा लैंड के बारे डिबेट करने के लिए, उसमें मैं आपको अच्छा से जवाब दूंगा। इस तिपरा की जैसे कि कांचनपुर एरिया में पिछले कैंपेन से शुरुआत में जब वहां का जीरो डिप्यूटी लिया गया, आप तो मेरे संग ही गए थे एक बार, पहले के बाद जो जीरो डिप्यूटी लिया गया था वहां कुछ यूट्यूब चैनल में ये दिखाया गया है कि वहां के लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग कोई भी हो, कलर कोई भी हो, ताकि वोट देंगे। देखिए हमारे ब्रू लोग दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर आर कम्युनिटी। आई लव माई ब्रू पीपल, आई हैव फॉट फॉर माई ब्रू यंग पीपल, एवरीबडी नोज इट। जहां तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी बोलूंगा तो कुछ कुछ को खराब लगेगा, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ब्रू लीडरशिप में अब हमको नए नए यंग ब्रूज को लाना पड़ेगा एंड मेक देम लीडर्स। जब तक एक पुराना जनरेशन ही हमारे ब्रू का कम्युनिटी का लीडर बनके रहेगा, उनको जो नया प्रॉब्लम्स जो हमारे यंगर जनरेशन को आ रहा है उनका सॉल्व नहीं होगा। तो उनका जो भी इश्यूज है, यूट्यूब का भी मैंने सुना है, लैंग्वेज में है, एक्चुअली उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन। और इसी के लिए मैं जब कंचनपुर भी गया था, मैंने देखा दे ऑल लव, आई लव देम, दे लव मी। देयर प्रॉब्लम इज दैट लीडरशिप में क्राइसिस है और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर कुछ अच्छा यंग ब्रू लीडर्स, यूथ निकले जो हमारे ब्रू को, हमारे दूसरे तिपरासा कम्युनिटीज़ को एक लेवल में ला कर रखे। जब तक गरीबी रहेगी, जब तक हमारा ब्रू का कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन रहेगा। और जब फ्रस्ट्रेशन रहता है तो लोग बोलते हैं 2-3 चीज़। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आई अपील टू ऑल माय यंग ब्रू, दे मे बी इन तिपरा मोथा, दे मे बी इन CPM, कांग्रेस, दे मे बी इन YBA, अगर आप लोग ये 26 तारीख के बाद मुझे 4-5 अच्छे यूथ लीडर्स को दे देंगे तो मैं उनको ग्रूम करके उनको वापस अपने ब्रू एरियाज में भेजकर मैं उनको ऐसा लीडर बनाऊंगा जो अगर 100 रुपये यहाँ से गया तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ तो हमारे ब्रू के पास जाए, अगर 1,00,000 गया तो 95,000 उनके पॉकेट में जाए। आजकल मुझे क्या लग रहा है कि बीच में ड्यू टू, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पैसा ज़मीन तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है, कहीं में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि वो लोग ने गलत किया है, लेकिन उनमें वो पुश करने का पुराने ज़माने का एक थिंकिंग है, यूथ आएगा तो एक अच्छा चांस मिलेगा और वो डेवलप करेगा। सो आई थिंक दैट इज़ द इशू, एंड आई थिंक दैट अगर ये एड्रेस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, वो मिलेगा। अच्छा, जो एक्ट हुआ था जो ब्रो के साथ, आप भी
जो अकॉर्ड हुआ था उस वक्त उन लोगों को जो फैसिलिटी देने का हुआ था जो किया गया था वो फैसिलिटी क्या वो लोग अभी मिल रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं, आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं कल गया था एमपी में, अमरपुर में, रायमा वैली में, वहाँ में देखा तो वहाँ में हर घर के सामने एक वाटर टैंक था, सोलर लैंप था, घर भी जो बनाया गया है वो रोड में बनाया गया है, तो जो एक्सेसिबिलिटी है वो था। जब मैं दसदा गया, घसीराम पारा गया, तो मुझे लगा कि जो पैसा ठीक से और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसमें मैं कोई का नाम नहीं ले रहा हूँ, लीडर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे लीडर्स लोग ब्रू के जब SDM से मिलते हैं, DM से मिलते हैं, तो दर दर के बोलते हैं कि सर हेल्प करो, थोड़ा सा हिम्मत दिखा के जाके फाइट करना पड़ेगा। और वही बात मैंने अपने कंचनपुर में अपने EM और MLA को बोला, आपको आपका कम्युनिटी के बारे, अपने ब्रू के बारे बात करना चाहिए, आपको दर दर के DM SDM ऑफिसर के सामने जाकर रिक्वेस्ट करने का कोई दरकार नहीं, आपको पब्लिक ने चुना है, आप थोड़ा निडर होकर जाके बात करो। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू कैन गेट यंगर जनरेशन लीडर्स, YBA में हो, BSCO में हो, जो भी NGO में, अगर ऐसे करके 4-5 लीडर्स, अगर अच्छे लीडर्स हमको दे दिया गया, तो मैं उनको ग्रूम करके उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालकर उनको बोलूँगा जाकर अपने अधिकार के लिए डिमांड करो, कोई शर्म का बात नहीं है। अगर इतना रुपया आया है तो और रुपया आना चाहिए, जब तक हम लोगों का सिचुएशन ठीक नहीं होगा और आना चाहिए, और लैंग्वेज हो, काउब्रू हो या कुछ और हो, उसमें भी आपका अधिकार है, आपको बोलना चाहिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मैंने बोला सर, किसुखन अभी कांग्रेस और इस तरफ एक सांवादिक सम्मेलन कर रहे हैं, ट्राई बोलूं कि ये सांवादिक सम्मेलन को चले तीन अभियोग पर से 2018 में बीजेपी जिन्हें वर्तमान में स्थिर प्रार्थी 2018 सुप्रीम कोर्ट में उनका कैंडिडेट से नाम छिल प्रीति देवी सिंह, और এবারে যেটা একাডেমিতে জমা দেওয়া হয়েছে প্রীতি দেবী দেববর্মণ, মানে দেববর্মণ কমিউনিটি ভোট এবং রাজবাড়ী সূত্র ধরে ভোট পাওয়ার জন্য এই কাজটা করেছেন, কি বলবেন? नहीं नहीं, आप कहाँ से, आप कहाँ से? इंडिया से हैं? हिंदुस्तान का परंपरा क्या है? जब आपका शादी होता है, जब आपका माँ का भी आपके पिताजी के साथ शादी हुआ होगा, तो उसने आपके पिताजी का सरनेम लिया। जब आपका ग्रैंड मदर भी होगा, तो उन्होंने आपके ग्रैंड फादर के साथ शादी किया होगा। या कल आपका बहन अगर किसी और से शादी करता है, तो वो अपना हस्बैंड का सरनेम लेता है, ये परंपरा है। इंदिरा गांधी का नाम क्या था सर? आप मुझे नहीं नहीं, आप मैं आपको पूरा मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ, ठीक है? इंदिरा गांधी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी का नाम क्या था बिफोर शी मैरिड फिरोज गांधी? इंदिरा कौल या इंदिरा नेहरू? जब उनका शादी हुआ, तब उनका हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था, तो इंदिरा गांधी तब इंदिरा गांधी बनी, उसके पहले तो इंदिरा नेहरू थी। हमारा बहुत आई रिस्पेक्ट सोनिया जी अलॉट, उन्होंने देश के लिए, उसका हस्बैंड, उनका मदर इन लॉ का भी देहांत, तो आई रिस्पेक्ट सोनिया गांधी अलॉट। बट बिफोर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के संग शादी किया था, विवाह किया था, तो उनका नाम सोनिया एंटोनियो मायनो था। जब उनका शादी राजीव गांधी के साथ हुआ, तब वो सोनिया गांधी हुई, मायनो का टाइटल छोड़ा। तो भाई, ये हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब आप किसी से शादी करते हैं, तो आपका हस्बैंड का नाम आप लेते हैं। यही बात शायद राहुल गांधी ने भी कभी एक, मैंने देखा, रैली में बोला था, ठीक। मेरा बहन पैदा हुई है तिपरासा, उनका ST सर्टिफिकेट, पैदा होकर तो शादी नहीं हुआ, उनका नाम कृति देव बर्मन है। शादी के बाद जब उन्होंने किसी से शादी किया, तो हस्बैंड का सरनेम लिया। अच्छा, कंचन प्रभा देवी, हम लोग रॉयल फैमिली में देवी सरनेम रखते हैं, मणिपुर में भी रखते हैं, पुराने फैमिलीज में अरुंधति देवी, ये हम लोगों का कल्चर है। लेकिन जब शादी होता है, तो आप अपना सरनेम हस्बैंड का सरनेम लेते हैं। तो अभी जैसे कि प्रियंका गांधी, पब्लिक नाउ को मैं पब्लिकली कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रियंका गांधी वड्रा, क्यों वड्रा लिख रहे हैं? क्योंकि उनका शादी रॉबर्ट वड्रा से हुआ है। तो यही चीज़ मेरे बहन ने किया है,
दूसरा बात, आज लास्ट डे है इलेक्शन कैंपेन का। मैं सुदीप राय बर्मन को प्यार से बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, आपने मुझे महाजन बोला, आपने सब कुछ बोला, मैंने आज बात भी किया सुदीप को, मैंने फ़ोन लगाया, इलेक्शन ख़त्म है। अब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों को और कोई मनोरंजन साउंड बाइट्स नहीं मिलेगा। आप लोग अपना आपको इतना सीरियसली लेते हो। मैंने आज सुदीप से बात किया, मैंने उसको बोला ब्रदर हाउ आर यू, लाइक गुड फाइन ब्रदर, हम लोग अच्छे से बात करते हैं। आपको लगता है कि हम लोग फाइट कर रहे हैं, मेरा फाइट मैं आज ओपनली बोलता हूँ, पब्लिक नाउ को स्पेशली बोलता हूँ। कितना प्रचार कर रहे हैं आपका आज, हाँ ब्रदर, पब्लिक नाउ को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा फाइट CPM से है और ईस्ट त्रिपुरा में मेरा फाइट CPM के साथ है। बस कांग्रेस के लिए आज भी मेरे दिल में थोड़ा सा प्यार है, इसके लिए मेरे कैंपेन में मैंने राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया गांधी हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, मेरा फाइट CPM के साथ है। मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे लीडर बिरजीत सिन्हा, बिरजीत बाबू को जान से मारने वाले थे CPM के वर्कर्स लोग, और बिरजीत बाबू का उस टाइम शूटिंग में एक आदमी मारा भी गया, बिरजीत बाबू के खिलाफ केस फाइल किया गया, उनको हत्या के ऊपर अक्यूज़ किया गया। बिरजीत बाबू अगर उस दिन उस जगह में रहते, ये दो आज से 15-20 साल का पुराना बात है, तो बिरजीत बाबू को काट देते CPM के वर्कर्स। आज वही बिरजीत सिन्हा कैलाश शहर में जाके CPM को वोट देगा, मीडिया को बोलेगा कि मैं वोट दूंगा, लेकिन EVM के सामने मैं जानता हूं कि बिरजीत बाबू नोटा देगा। मानिक सरकार अभी आपके सामने बोलेगा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया, मैं जानता हूं दिल में मानिक बाबू तो आपके सामने नहीं बोल सकता कि मैंने नोटा दिया, लेकिन वो नोटा दे रहा है। और मैं जब देखता हूं कि सुदीप बहुत अच्छा कलाकार आदमी है, आई लव सुदीप, यू नो इज अ ग्रेट गुड फन, अभी आप इसको भी कोट कर लीजिए, और सुदीप और मैं 26 तारीख के बाद मैं उसके घर में जाके चाय पीऊँगा, या अगर या फिर मैं उनके घर में जाऊँगा या वो मेरे घर में आएगा, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने भी 30 साल CPM के संग फाइट किया, मैंने भी जिंदगी भर तक CPM के संग फाइट किया, तो ये जो अलायंस है ये एंटी CPM का है, इसमें आप ज़्यादा सीरियसली मत ले। और 26 तारीख को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि वोट एंटी CPM का होगा ईस्ट त्रिपुरा में, और इसके लिए मुझे किसी से अपील भी करने का दरकार नहीं है। मैं जानता हूँ कि सबने CPM का शासन देखा है, कांग्रेस ने CPM का शासन देखा है, वो भी मुख से तो CPM का झंडा उठाएंगे, दिल से CPM के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। क्या बोला, अरे कैसा सवाल पूछते सर, नहीं कैसा सवाल पूछते, अगर हार अब इंडिपेंडेंस भी पूछेगा वो बोलेगा हम जीत रहे हैं। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे। हाँ, तीन सीट होता तीन भी जीत जाते, लेकिन दो ही है, दो जीते, दोनों का दोनों सीट जीतेंगे। आई डोंट वांट टू कमेंट नाउ, इलेक्शन ओवर। हाँ, your side you have yes. So how do you see the Congress and the CPM coming together? Why was it they are saying to save democracy? You have to say that, no? You have to say that. But my point is that you see, CPM can defeat Rahul Gandhi in Wayanad. Pinari Vijayan has called Rahul Gandhi Pappu. Right? Now, Priyanka Gandhi is campaigning for Congress against CPM in Kerala. Right? But in Tripura, she is saying the Ramnagar mein CPM ko vote do. Dil ka alliance nahi hai. Majboori se hua hai. Lekin I still feel that agar Congress ko Tripura mein wapas uthna hai, democracy mein opposition ka role bahut important hai. To agar Congress ko Tripura mein uthna hai,
तो कांग्रेस को खुद अपना पार्टी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सीपीएम का हाथ पकड़ के चलेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा। लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन जो भी मेरा पुराना कांग्रेस के संग कनेक्शन है, मेरा वही दिल्ली को एडवाइस होगा कि आप अगरतला का बात सुन के सीपीएम के संग अलायंस मत कीजिए, कांग्रेस को आप स्ट्रांग कीजिए, सीपीएम का हाथ पकड़ने से कांग्रेस दुर्बल होगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी बिहारे लालू यादवের উপরে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ বারংবার ভাষণ দিয়েছেন এবং আমাদের রাজ্যে আমরা এবারে দেখলাম যে আপনি একটা মঞ্চে বলছিলেন যে এই মুহূর্তে বিশ্বের তিনি অনেকটাই যোগ্য। প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি কোথাও পরিবারতন্ত্রের সমর্থন করছেন নিজের বোনকে দাঁড় করিয়ে, আর একই সঙ্গে তিপ্রা মাথায় কি তাহলে কোনো যোগ্য প্রার্থী নেই? তো মেরা পাবলিক নাও সে अगेन क्योंकि পাবলিক নাও হি আজ মুঝসে সওয়াল পুছ রহা হ্যায় তো মে পাবলিক নাও কা ফির সে ও করকে प्यार से ये सवाल आपने 2018-19 में क्यों नहीं पूछा जब मेरा दूसरा बहन प्रज्ञा लड़ा था? क्यों नहीं पूछा? मैं अब आपको सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सवाल यही सवाल मैंने 2019 में भी अपना बहन को लगाया था। तो उस टाइम कांग्रेस क्यों ठीक था? तब तो ठीक है, 2028 में बोलेंगे जब रहेगा आप पब्लिक नाउ 2028 तक। पक्का आप मालिक हैं? Yes. आप पब्लिक नाउ के मालिक हैं? Yes. ओ तब तो रहेगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है, जैसे कि देखा गया जब भी चुनाव आते हैं किसी को जो वोटर है आम जनता, पश्चिम त्रिपुरा में भी देखा गया इस बार छप्पा जो वोट होता है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन वोटर को हर घर जाके उन लोगों का एपिक कार्ड लिया गया, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, आपका वोट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चराया गया, धमकाया गया। ये क्या पूर्व में, मतलब इसमें जो आपके बहन खड़ा हुआ है वहाँ पर भी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं 2019 में कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था, हमने फाइट भी किया था उस समय। सुबल भौमिक जी वैसे से कैंडिडेट थे, आज वो बीजेपी में है। लेकिन इस बार वायलेंस आप भी मानेंगे कम हुआ है और ये स्टेट के लिए अच्छा है। अगेन कम हुआ है इसलिए कोई डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलना। अच्छा, तो मतलब वोट दे जाएंगे तो उनका घर में मतलब आग लगा देंगे, मार डालेंगे, ऐसा धमकाया गया था। अच्छा, तो ऐसा तो मैं तो क्यों 2019 में क्यों कोई नहीं लड़ा जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था? मैं आपको एक उल्टा जवाब दूं, मैं सामने से फाइट किया, सीपीएम का हाथ पकड़ के फाइट नहीं किया, सीपीएम को थर्ड पोजीशन में लाया मैंने 2019 में। आज लोग घर से नहीं निकल रहे क्योंकि दिल में उनको सीपीएम को वोट नहीं करना है, निराशा भी है। जब मैंने फाइट किया था तो वेस्ट में 275,000 सुबल भौमिक जी को वोट मिला था, सीपीएम को 150,000 में रोक दिया था, और ईस्ट में 288,000 मिला था सीपीएम, जितेंद्र चौधरी 2,00,000 सिर्फ 2,00,000 वोट मिला था, 90,000 वोट से पीछे था। लेकिन इस बार जब ये अलायंस हुआ है तो जो लोग, जो कांग्रेस के वर्कर्स लोग, जो लीडर्स जिनको इतना टॉर्चर किया गया, जो INPT के थे, जो TUGS के थे, इतना टॉर्चर किया गया, आज आप उनको बोलेंगे कि CPM को वोट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसी के लिए, और गर्मी भी ज़्यादा है। लेकिन मैं तभी भी अपील करूँगा, किसी को धमकाने से कुछ नहीं होगा, किसी को दबाने से कुछ नहीं होगा, किसी का घर जलाने से आपका घर में आबादी नहीं आएगा, तो ऐसा मत कीजिए। लोगों को वोट करना है करने दीजिए, किसी को नोटा करना है नोटा करने दीजिए, किसी को रास्ते में क्रिकेट खेलना है खेलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को अपना अधिकार, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करने का पूरा हक है और वो होना चाहिए। I am WhatsApping you Sudeep's statement when he was in Congress. Manik Sarkar ka bhi hai. Na, aapka jo sawal hai, public confused nahi hai. Aaj last day hai, आपको थोड़ा सा स्पाइसी आंसर चाहिए, मैं आपको स्पाइसी आंसर नहीं दूंगा। जब मैं कांग्रेस में था मैंने कांग्रेस के लिए बात किया, आज मैं तिपरा मौथा में हूँ, मैं तिपरा साह के लिए बात कर रहा हूँ। जब सुदीप राय बारू, जब नहीं नहीं मेरा पूरा पूरा बात सुन लीजिए, जब
सुदीप कांग्रेस में था तो कांग्रेस के लिए बात किया, जब वो तृणमूल में गया तो मेरे दोस्त ने ममता बनर्जी के लिए बात किया, जब वो बीजेपी से चुन के एमपी बना तो उन्होंने मोदी जी के लिए बात किया, आज वापस कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं। जब अलायंस नहीं था तो मानिक बाबू ने कांग्रेस को गाली दिया, 20 साल तक तो बीजेपी त्रिपुरा में नहीं था ना, INPT को गाली दिया। हाँ अच्छा, लास्ट ईयर आप एक सवाल, कौन सवाल पूछ रहे हैं आप, पब्लिक ना थोड़ा वेट कीजिए ना, मैं आपको, आप तो मालिक है सर, आप चालक से बात करेंगे। जब लास्ट ईयर जब मुझे रामनगर में सुदीप ने गला मिला तब क्या मैं वो प्रद्युत नहीं था भाई? ये इलेक्शन है, हमने पहले से बोला था कि मैं उन्हीं के संग अलायंस करूंगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे में बात करे। मैं अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा हूं और जो मेरे कम्युनिटी को राइटिंग में कुछ देगा मैं उनके साथ बात करूंगा। ये बात समझदार समझ जाएगा और जो समझदार से ज़्यादा समझदार है वो समझ के भी नहीं समझेगा, लेकिन मेरा फाइट यहाँ में CPM कांग्रेस वो सबका नहीं, मुझे अपने कम्युनिटी को कुछ देना है और जो राइटिंग में हमें देगा मैं उनके साथ बात करूंगा। मेरा वो लाइन पहले से था, आज भी है, आप उसका भी साउंड बाइट निकाल के दिखा दीजिए बस। हाँ पब्लिक नाउ प्लीज ना, हमें एक कथा बोले नहीं, हमें बोले छे हमें ना 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 ना, हमने बोला मेरा स्टांस था कि जब राइटिंग में मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं किसी के साथ अलायंस करूंगा, जब राइटिंग में मिला कांग्रेस ने नहीं दिया, CPM में साथ तो बात ही नहीं हो सकता, जब राइटिंग में दिया तब मैंने बात किया बस। मेरा लाइन बहुत क्लियर है, आई एम हियर टू फाइट फॉर माई तिपरासा पीपल एंड आई विल फाइट फॉर माई तिपरासा पीपल। देयर इज अ वेरी फेमस कोट बाय लिंडन बी जॉनसन द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका एंड दिस इज स्पेसिफिकली गोइंग आउट टू माई Kaubru channels. Lyndon B. Johnson, the president of America, once said that America has no permanent friends, no permanent enemies. Americans have a permanent interest. I am going with those who can help us today. That's it. Thank you so much. Belai Nohambai.